बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसके न्याज़ी के प्रोग्राम सच्ची बात में आपको खुश आमदेद कहते हैं, मुझे कहते हैं माही शेख। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान की बदलती और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जी नाजरीन, जैसा कि कल हमने आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिनकी बहुत सारी खदमात हैं पाकिस्तान के हवाले से, मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर जैसी जो है सलाहियतों से नवाजा कि आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं और यकीनन जो दुश्मन है उनकी आँखों में आँखें डाले खड़े हैं, उन्हीं का एक प्रोग्राम का पार्ट वन आपको दिखाया, उसी का पार्ट टू आज हम दिखाएंगे कि कदीर ख़ान साहब किस तरह गाहे बगाहे रोज़ न्यूज़ का चक्कर लगाते रहते थे, यहाँ पर आते थे और अपने तज़ियों और तबसरों से हमसे किस तरह से गुफ्तगू करते थे। उसके साथ साथ अक्सर हम उन्हें कॉल पर भी ले लिया करते थे। बहुत सारी बातें जो वो कहा करते थे कि आज मैं अगर आपको कॉल पर टाइम दे दूँ, तो वो सारी बातें आज के प्रोग्राम में, जो कल के प्रोग्राम के एंड में हमने कहा था कि उनके जितने प्रोग्राम्स हमारे पास पड़े हैं वो एक घंटा बहुत कम है, तो इसलिए आज हमने सेकंड एपिसोड या पार्ट टू जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की याद में आप लोगों के साथ शेयर करने का वादा किया था और उसी प्रोग्राम की ये सेकंड कड़ी होगी। आइए चलते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के चंक्स की तरफ। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर ए क्यू ख़ान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कौम का बच्चा बच्चा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गिरां कदर खिदमात का मोतरफ है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबले तस्खीर बनाया। डॉक्टर कदीर खान ने पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा किया बल्कि दुश्मनों की सफों में उस वक्त लर्जा तारी हुआ जब डॉक्टर कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया। एटमी धमाके होते ही इंडिया अपनी फौजें ना सिर्फ बॉर्डर से वापस ले गया बल्कि उस दौर के इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गए। मोहसिन पाकिस्तान पाकिस्तान का असासा है। मोहसिन पाकिस्तान का नाम आते ही दुश्मनों की सफों में खलबली मच जाती है। मोहसिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स और रोज टीवी में अपने कदम रंजा फरमाए और पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स और रोज टीवी को इज्जत बख्शी। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में डॉक्टर ए क्यू खान की आमद के वक्त समा दीदनी था। डॉक्टर साहब मिलनसार और आला इखलाक के मालिक हैं। डॉक्टर ए क्यू खान ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स और रोज टीवी का दौरा किया और प्रोग्राम सच्ची बात एसके नियाज़ी के साथ में अपने दिल का हाल भी कह डाला। ए क्यू खान की अजमत को तराजू में न तोलो, ए क्यू खान तो हर दौर में अनमोल रहे हैं। मेरे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं, भाई हैं और तकरीबन आज से 12-13 साल पहले मैंने इनको बेहतरीन रिपोर्टिंग पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर धमाकों पर बेहतरीन रिपोर्टिंग पर गोल्ड मेडल भी दिया था। ये फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बनीगाला में इन्होंने बेहतरीन फलाही काम अंजाम दिए हैं। मुझे एक जगह डोनेट की थी जहाँ मैंने अस्पताल बनाया है गरीबों की मदद के लिए, जहाँ मुफ्त गरीबों का इलाज करते हैं, दवाएं देते हैं। इसके अलावा वहाँ एक मस्जिद तामीर की है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत मदद की। वहाँ के जो आवाम हैं उनकी बड़ी बहुत मदद की। मुझे बेहद खुशी है सरदार खान साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुल्क के बहुत बड़े क्या कहिए वफादार हैं, मुहिब वतन हैं और हमेशा मुल्क की अच्छाई के लिए, खिदमत के लिए बातें करते हैं। और आपका जो रोज़ टी वी है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी है, मुबारकबाद देता हूँ कि दुबई में आपने नया ऑफिस खोल लिया, बहुत मुझे खुशी है। मेरा भी सबको उनको बहुत बहुत सलाम कहिए और रोज़ टीवी की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जो उनकी कॉल्स पे बातें हैं, जितना वो आवाम के लिए परेशान रहते थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं मज़ीद आप कुछ और चंक सुन के दिखाते हैं। एटमी प्रोग्राम में आप क्या समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में अमेरिका हमें और सारे ममालिक को, सारी कंट्रीज़ को, मुल्क को, ये जो दुनिया में ये एक है कि भई आप इससे गुरेज करें, असले का फैलाव ज़्यादा ना हो, तो खुद वो उसकी पाबंदी नहीं करता? नहीं, खुद तो कर नहीं, अमेरिका ने सबसे पहले फैलाए। सबसे पहले जब अमेरिका ने बनाया तो इंग्लैंड को उसने दिया और फ्रांस को दिया, फ्रांस ने इसराइल को दिया। तो ये वो चीज़ें जो हैं कि जितनी प्रोलिफरेशन जो है वो सब इन्होंने की और इन्हीं से कोई जो पाकिस्तान तो नहीं बना था और दूसरे ममालिक जो हैं वो तो नहीं बनाते। रशिया ने बनाया, अमेरिका से गया रशिया, रशिया से गया चाइना, गया चाइना से दूसरी जगह गया होगा वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये बढ़कर के इनके लिए बात ये है कि मेरे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है। उनको अपने लिए सब चीज़ हलाल नज़र आती है, हर चीज़ अपने लिए हलाल है। अपने देखिए वो अपना मफाद देखते हैं, हम लोग अपना मफाद नहीं देखते। हम मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं,
कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन हम अपने आकाओं को खुश करें, लेकिन मुल्क की भलाई के लिए खड़े ना हों। तो ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर लानत है। हाँ जी, मुझे अल्लाह की नाराज़गी है जहाँ पे कौम पे हमारी कौम पे लानत है। हाँ, एनर्जी क्राइसिस है हमारे, बिजली का है, गैस का है। ये आप एटम बम तो बना सकते हैं, लेकिन इस क्राइसिस को अगर आपको फुल गवर्नमेंट मदद करे और फुल फाइनेंशियल और पावर्स भी दी जाएं, तो आप कितने अरसे में ख़त्म कर देंगे? क्योंकि लोग कौम आपकी आवाज़ सुनना चाहती है। मैक्सिमम 3 साल। तीन साल मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी कि मैं 6 महीने में कर दूंगा, फिर कहा कि साल भर में कर दूंगा, और फिर 1.5 साल में कर दूंगा, 2 साल में, फिर वो बार बार टीवी पे दिखाया जाएगा हमारे शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आवाम को धोखा नहीं दिया सकता। देखिए, 3 साल एक रीज़नेबल टाइम है। अगर आपके पास फ्री हैंड हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इस मुल्क में 6 साल के अंदर, जहाँ अभी तक सुई नहीं बनती 65 साल के बाद, अगर मुल्क एटम बम बना सकता है, मिसाइलें बना सकता है, मुल्क बहुत कुछ कर सकता है अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए, और अच्छे लोग राइट मैन एट द राइट प्लेस लगाया जाए। ये जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, उनको ना बिठाया जाए कि शेखी हमारे और डिलीवर कुछ भी ना करें। लोगों को एजुकेशन के मैदान में, जिस तरह आपका एक दो दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बयान आया, और इसमें आप लोगों को ज़्यादा रागिब करें, अब इस पर क्या कहेंगे कि एजुकेशन के ज़रिए? देखिए, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, वो ख़ास तौर से टेक्निकल एजुकेशन। ये नहीं कि सिर्फ आप लिबरल आर्ट्स वगैरह पढ़ लें, वो ठीक है मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने को, कैपेबिलिटी बढ़ाने को, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन दे, वह किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है वो उसके इंजीनियरिंग प्रोफेशन पर है। आपको जर्मनी ले लें, जापान ले लें, अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, फ्रांस ले लें, ये तमाम ममालिक जो हैं जब कि वहाँ टेक्निकल एजुकेशन की वजह से ही तरक्की आती है और मईशत बेहतर होती है वगैरह वगैरह, तो वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि निज़ाम भी ऐसा है कि ना ही आप प्राइवेट तरीके से कोई इंडस्ट्री इस तरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो दो चार एक जो कहिए माफिया बना हुआ है, जो कुछ बैठे हुए हैं लोग, वो किसी को अंदर नहीं आने देते। वो टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं, बाहर से फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं और उसमें पैसा बनाते रहते हैं, ना ही उसमें से एक पाई देते वो किसी एजुकेशन के काम के लिए, ना वजीफे देते कोई, ये वो चक्कर है। तो अगर जब तक कि हुकूमत ना सहारा दे, हुकूमत सपोर्ट ना करे प्रोजेक्ट को, जैसा न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अगर कोई प्राइवेट करना चाहता या मैं करना चाहता, मैं कितनी ही लोगों से कहता रहता, अगर हुकूमत साथ नहीं देती प्रोग्राम नहीं होता। तो आपको यहाँ हुकूमत की, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है इस वक्त वो ऐसा है कि जिस काम में हुकूमत आपका साथ दे तो बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। अब उसका इलाज ये है कि हम इतने भी तो हाथ पे टूटे हुए नहीं, हमारे है, हमारे पास सहूलतें भी हैं, सलाहियत भी है। हमें चाहिए कि हम जो लॉन्ग रेंज हमारे पास रॉकेट हैं वो वहाँ लगाएं, उस बॉर्डर पे कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर, ताकि वो हिंदुस्तान की गोलों मोलों से महफूज आएँ, और वहाँ से फिर इनके ऊपर गोले बरसाएँ। तो ये जो लॉन्ग रेंज के हमारे रॉकेट हैं, ये आसानी से उनकी आबादियों पर गिर सकते हैं, उनका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। ये जर्मोक रॉकेट है कोई हमारे पास जो बहुत ज्यादा 60 किलोमीटर तक मार करता है, 80 किलोमीटर तक मार करता है, बड़ी बात है। 80 किलोमीटर हो और आपके पास उनको 20 किलोग्राम एक्सप्लोजिव हो और वो शिनारपेल छोड़िए वो, तो वो तो तबाही फैला देंगे ना। अगर आपने उठा के 10-15 मार दिए एक दिन, तो फिर वो 10 मरतबा सोचेंगे मारने से। अगर जंग हो जाती है, अगर इस चीज को, ये इनके कौन कौन से एरिया हमारे रेंज में होंगे? इनकी तमाम जगह लंबी लंबी मिजाइल है हमारी, पूरा पूरा दिल्ली और आगरा और ये वो, पूरा साउथ नीचे मद्रास और वो जो है क्या नाम है बंगलोर और ये वो, तमाम इनकी इन चीजें जो है बॉम्बे पूना मुना सब खाद में मिल जाएंगे। हमने 4 साल में सिर्फ 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है, एक पैसा नहीं दिया, दवाई भी देते हैं और इलाज भी करते हैं। और हमारे अब्बासी साहब की हुकूमत ने हमें एक पैसा नहीं दिया अस्पताल के लिए, बल्कि एक वो सिद्दीक फारूक बिठा दिया चोरों के सरदार को, उसने हमसे जकात के और खैरात के जो पैसे थे उसमें से 2 करोड़ रुपए ले लिए, सिद्दीक फारूक, सिद्दीकुल फारूक, ब्लैकमेल करके। दाढ़ी रखते उसके पीछे गड़बड़ करता था बदमाशी।
हमने 4 साल में 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया। दुरुस्त बात है, किसी से पूछ ले वहाँ जाके देख, और कई हजार लोगों का डायलिसिस किया है, किडनी पेशेंट का, एक पैसा नहीं लेते हम। तो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि ये जो है आने वाला वक्त, तो जो अल्लाह के करम और फजल और करम से पाकिस्तान के लिए नज़र तो बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजा निकलेगा। बिल्कुल इस पॉइंट पर, इस मौजू पर और इस मसले पर सब जो हैं वो मुत्तहिद हैं और नहायत नेक नियति से काम कर रहे हैं। आपका कौम को क्या मैसेज है? यही मैसेज है ना कि सारे लोग इस मौजू पर इकट्ठे हो जाएं, मौसम पाकिस्तान का मैसेज, ताकि हम आवाम को, कौम को और सियासी लीडरों को सुना सकें। बिल्कुल यही होना चाहिए ना। देखें ना, आप यूरोप में इधर उधर कोई भी बात होती उनके फायदे की होती है, वो सब एक हो जाते हैं एक मिनट में। तो हमें भी यही होना चाहिए, सब मिलकर इस मामले पर एक ही हुए, एक उंगली उठे तो इसके मानिए कि पूरी कौम की उंगली उठी है वो, और सबको चाहिए साथ दें, और एक आवाज़ से, ये नहीं कि इसके अंदर सियासत करना शुरू कर दें, उससे गुरेज करें और एक आवाज़ निकले बस इस मौजू पर, जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी जो है वो आज़ाद जिंदगी गुजारेंगे। बनीगाला में जो साशे हॉस्पिटल डॉक्टर साहब आपने बनाया है, कल मैं वहाँ गया, मैं देख के इतना खुश हुआ, मैं आका ये देखो, वो तो उसका तो बीज आपने बोए थे ना, आपने इतनी जमीन दी तो हमने बना दिया फौरी। लेकिन इनिशिएटिव डॉक्टर साहब आपका है, तो माशाल्लाह वो भी बहुत काम कर रहा है, भलाई काम। जी नाजरीन, यहाँ पे वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक की तरफ चलते हैं, साथ दीजिएगा सच्ची बात में।
बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी बातें जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से शायद आप लोगों को नहीं पता थी, आज हम आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्या सोचते थे इस मुल्क के बारे में, एजुकेशन पर कितना ज़ोर देते थे और क्या क्या खदमात थी उनकी, कितने फलाही काम कर रहे थे, उस हवाले से आज हम आपको बता रहे हैं। बल्कि आप कहें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो की ज़ुबानी ही आपको सुना रहे हैं, तो चलते हैं मज़ीद उनके कुछ पार्ट्स की तरफ। आपसे हमारे ताल्लुकात तो कुछ 35-40 बरस से हैं माशाल्लाह, और कितने फलाही कामों में हमने साथ काम किया है। और जैसे मैं अभी पहले अर्ज़ कर रहा था कि आपके ससुर मसल जनरल हिदायतुल्लाह खान, उनसे मेरी मुलाकात 76 में शुरू में हुई थी। उस वक्त वो मेजर थे और ब्रिगेडियर ज़ाहिद अली अकबर और मैं रेकी करने जा रहे थे कहूटा की, कि हम देखें कि जगह मुनासिब है कि नहीं है प्लांट के लिए न्यूक्लियर प्लांट। तो वो आर्मी एविएशन में थे, वो मेजर थे, तो वो हमें उड़ा के ले गए थे और घुमाया फिराया। तो अभी तक वो मुझे वो याद है वो वक्त। और कहूटा ने रंग लाए और कहूटा में फिर हमने सेटल हुए और कहूटा से ही काम किया माशाल्लाह, और वहीं से पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर आया। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप जितना रफाई काम कर रहे हैं, इसमें आपका रफाई अदारों पे भी हम इसकी आपको आपसे पूरी डिटेल चाहेंगे और नाज़रीन सुनना चाहेंगे। अपन को याद किया है कि आपने कैसे गुजारा, कैसे, क्योंकि खुशी का दिन है आपका, लोग बचपन के बारे में आपसे सुनने चाहते होंगे कि आप क्या करते थे, कहाँ खेलते थे। वो जो बचपन था वो तो भोपाल में गुजरा था, भोपाल में। और भोपाल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर रमज़ान भोपाल में जाके गुजारो तो तुम सऊदी अरब को भूल जाओगे, ये कहावत है लोगों की। अच्छा। जी जी। और एक साहब जो वाकई सऊदी अरब में रहते हैं, वो रमज़ान में इसी वजह से भोपाल गए और उनका वाकई जो बात सुनी थी वो सही निकली कि मैं सऊदी अरब को भूल गया, यहाँ जो जोश और जज्बा और मोहब्बत और खलूस देखा लोगों का। तो ये था, आपको पता है भोपाल मुसलमान रियासत थी, वो बड़े मजहबी लोग थे। मजहबी का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी हैं और टखने से ऊपर सलवार हैं, हम लोग मजहबी इस तरह से थे कि पांचों वक्त के नमाजी भी थे, रोज़ा भी रखते थे, गरीबों की मदद भी करते थे। भोपाल के अंदर माशाल्लाह ये अच्छी बात थी कि ना ही वहाँ बेरोज़गारी थी और ना ही फ़कीर थे, कभी कोई आपको फ़कीर नज़र नहीं आएगा। अच्छा। इतनी मिलनसार लोग थे, आपस में मिल बाँट के खाते थे, तफरका बिल्कुल नहीं था अमीर गरीब में। हमारे यहाँ भी गरीब लोग आते थे, घर में बच्चे साथ हमारे खेलते थे। पाकिस्तान की मोहब्बत आपको कैसे पहुँची, कैसे पैदा हुई और कैसे पाकिस्तान में तशरीफ लाए? आजम को देखा था, भोपाल आए थे मुकदमा लड़ने, तो उस वक्त पूरा भोपाल ही पाकिस्तान के हक़ में था। नवाब भोपाल ने तो बड़ा रोल अदा किया था, गांधी से उन्होंने ये मंजूर कराया था पाकिस्तान का क़याम, जो कि और कोई ना करा सका था। तो हमें भी शौक़ था, निचली हिंदुस्तान जितने मुसलमान थे सबको ये शौक़ था कि जी पाकिस्तान चलेंगे। तो मेरे वालदेन ने भी कहा कि मेरे दो भाई शुरू में आ गए थे पार्टीशन के वक्त ही फौरी, तो मेरे वालदेन ने कहा कि तुम भी चले जाओ, वहाँ सहूलतें अच्छी रहेंगी, तुम्हारा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर रहेगा, रोशन रहेगा। तो मैं खोखरा पार से आया था, बड़ा सख्त महीना, अगस्त का महीना था, तपती आग, रेत, नंगे पैर मैंने क्रॉस किया 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, घर सर पे एक संदूक। और जब पाकिस्तान दाखिल हुआ तो 14 अगस्त था आज़ादी का, तो बड़ा शोरगुल था, चहल पहल थी। लेकिन एक बात का थोड़ा सा अफसोस ये हुआ था कि हिंदुस्तान की बॉर्डर तक जितनी भी रेलवे स्टेशन वगैरह थे वो बहुत अच्छी तरह बने हुए थे और उनके अंदर दुकानें और खाने पीने का सामान और चाय। जब हमने खोखरा पार क्रॉस किया तो यहाँ आए तो चार पाइयाँ कुछ पड़ी हुई थी और वो जो खोखे लगे होते हैं वो लगे थे और कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं किया था, इन्होंने नहीं बनाया था। बहरहाल खुशी बहुत हुई थी, पाकिस्तान आ गए वहाँ से। फिर ये कैसे दिल आया कि पाकिस्तान को मजबूत बना दो? नहीं, अब ये हुआ कि हम रहे कराची में, मेरे फिर वालदा भी आ गई थी, बहन भी आ गई थी, भाई भी आ गए थे, तो हम कराची में रहे। वहीं से मैंने BSc पास किया, फिर 3 साल में इंस्पेक्टर रहा वेट्स एंड मेजर्स का। अच्छा, मुझे ये ख्याल आया कि ये तो इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर्स है, नौकरी तो अच्छी अय्याशी की है, काम धंधा कुछ भी नहीं, आप घूमें फिरें गाड़ी में, फैक्ट्रियाँ विज़िट कर लें, दुकानें विज़िट कर लें, आ जाएँ, लेकिन कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी कि जर्मनी जाऊँगा तालीम के लिए,
तो 3 साल के बाद मैं जर्मनी चला गया बर्लिन, वहाँ दाखला मिल गया मुझे बर्लिन में, तो वहाँ चला गया। फिर वहाँ से मैं वहीं से छुट्टी पे मैं हॉलैंड गया तो अपनी बीवी बेगम से मुलाकात हो गई और फिर हमारी मंगनी हो गई बर्लिन में ही, वो बर्लिन आ गई तो मंगनी हो गई। तो हम छुट्टी पे जब हॉलैंड गए तो उन्होंने कहा कि जी मेरे ज़रीब वालदेन हैं तो आप अगर यहाँ आ जाएँ तालीम हासिल करने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो हॉलैंड के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानता नहीं हूँ। क्योंकि नहीं, बहुत आला यूनिवर्सिटी है डेल्फ्ट। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो वहाँ देखा तो वाकई बहुत ही आला यूनिवर्सिटी थी, वो यूरोप का MIT था। तो मैंने जाके प्रोफेसर से बात की, उसने कहा जी आप कल आ जाएँ, वहाँ से यूनिवर्सिटी लीविंग सर्टिफिकेट ले आएँ, तो बर्लिन का हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो फिर हम वहाँ से हॉलैंड शिफ्ट हो गए। वहाँ से मैंने फिर मास्टर्स की डिस्टिंक्शन के साथ, फिर मुझे ऑफर थे बहुत दुनिया भर से PhD के लिए, लेकिन फिर वही उनके वालदेन का मामला था। तो जब बेल्जियम से ऑफ़र आया उनकी यूनिवर्सिटी है लेवन में ब्रसल के करीब, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, अभी परसों नर्सों भी उसको यूरोप का बेहतरीन यूनिवर्सिटी तस्वीर किया गया है, मोस्ट इनोवेटिव। तो वहाँ से मैंने PhD की और बहुत सारे आर्टिकल लिखे बड़े अच्छे मशहूर, जिसकी लोगों ने तारीफ की, MIT के प्रोफेसर ने और इंग्लिस्तान के प्रोफेसर ने। जी डॉक्टर AQ खान का जितना भी काम है जो कि रोज़ न्यूज़ के साथ था, उसके लिए मुझे लग रहा है कि आज के ये 2 घंटे भी बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक में साथ दीजिएगा हमारा।
बैक नाजरीन, आज आप पार्ट टू देख रहे हैं डॉक्टर ए क्यू खान की यादें और उनके नाम एक शाम हमने की है उसी हवाले से। कल भी प्रोग्राम का पार्ट वन चला था, आज उस प्रोग्राम का पार्ट टू है जिस पे हम बात कर रहे हैं। हॉलैंड से एक जगह निकली, मुझे पता नहीं था कि ये न्यूक्लियर फील्ड में काम होगा, तो जब मैं वहाँ गया तो उनका जी के ये बहुत टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है यूरेनियम की अफजूदगी के लिए और उस पर हम आपको लगा रहे हैं, तो मुझे टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस दी उन्होंने, तो वो फिर मैं वहाँ उस पर काम करने लगा। अच्छा, जब मैं बेल्जियम में था ये और मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट की थी 71 में दिसंबर में नवंबर में, तो उस वक्त ये ईस्ट पाकिस्तान का चक्कर चला, डिबेकल हुआ हमारा साथ सानहा, और तो वहाँ से बड़ा परेशान रहा लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। जब हिंदुस्तान ने 74 में एटमी धमाका किया फिर मैंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा कि जी मैं इस फील्ड में महारत रखता हूँ और मैं एटम बम बनाने में मदद कर सकता हूँ, तो फिर भुट्टो साहब ने मुझे फौरी बुलाया। यह है दिसंबर 74 की बात, इंडियन धमाकों की फौरी बात। मैं यहाँ आके उनसे मिल के चला गया, उन्होंने कहा कि मुनीर अहमद खां से मिलने, इसको समझा दें क्या क्या काम करना है। मैं चला गया, जब मैं क्रिसमस के टाइम पर 75 में आया तो भुट्टो साहब ने कहा कि ज़रा जाके देखें। उस वक्त मरहूम जनरल इम्तियाज उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, बहुत ही नफीस इंसान थे अल्लाह बख्शे, बहुत ही स्मार्ट। तो शुरू में बड़ी मुश्किलात पेश आई, हमारा काम इतना मुश्किल बनाया गया सर, भगाने की कोशिश की गई लेकिन हम जम गए अड़ गए। तो ये यहाँ से कहानी है कि इस तरह यहाँ रुक गए। करके ही उठना है, करके ही उठना है, करके ही उठना। हमने कहा जब लोगों ने पूछा कि जब अक्सर गुलाम शाह साहब भुट्टो साहब ने कमेटी बना दी थी, गुलाम शाह साहब एजियन काजी और आगा शाही था, तो कभी कभी ये लोग मजाक में करते थे डॉक्टर साहब ये काम हो भी जाएगा या नहीं है? तो मैं ये कहता था कि प्लीज़ ये कभी सवाल ना करें, यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये ना होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान बचेगा या ना बचेगा तो फिर ये सवाल करें, क्योंकि हमने ये काम करना ही है, हमने पाकिस्तान को बचाना ही है। डॉक्टर साहब लोग ये चाहते हैं कि जो मियांवाली में हमने पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाया है वो आपकी सरपरस्ती में बना है और आपने बड़ी मेहनत करके बनाया, लोग ये चाहते हैं कि उसी तरीके का इसको इंस्टीट्यूट बनाया जाए, हमारी आवाम की बड़ी अपील है वहाँ हमारा बड़ा। आप वहाँ आए तो बड़ी बात बताऊँ अभी कि जब चंद माह पहले एहसन इकबाल साहब अमेरिका गए तो कैलिफोर्निया भी गए और फिर MIT भी गए, और वहाँ इन्होंने ये कहा देखा यूनिवर्सिटी वगैरह के जी में बहुत अच्छा, हम पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने चाहते हैं। मैंने उनको पूरा प्रोपोजल बना के दिया, बहुत ही आला यूनिवर्सिटी का, फेडरल यूनिवर्सिटी का, बिल्डिंगें एक्सपेंसेस कोर्सेज हर चीज़, और मैंने उनको कहा कि देखिए मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता, आप लिख के रख लें, आप बनाएंगे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी बन जाएगी लेकिन वो इंस्टीट्यूट वो नहीं होगा जो कि आप चाहते हैं होना चाहिए। आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं? मुझ पर लोग ट्रस्ट करते हैं, मुझे तजुर्बा है सर, मैं 15 साल यूरोप में रहा हूँ, मैंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाई है 10,000 आदमियों की, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट की है हर एक स्थल हो, तो मैंने कहा जी कि मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। बात है नेक काम की, एजुकेशन है, एजुकेशन है, आप किसी फ्रंट मैन को लगा दीजिए हैं, वो मुझसे गाइडेंस लेता रहेगा और बनाए, लेकिन हम बना ऐसे देंगे कि वो दुनिया में नाम कर लेगी नोटी बहुत जल्दी। अभी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम 500 जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड रैंकिंग में 500 में भी नहीं एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, यानी इतना बड़ा मुल्क है 19 करोड़ का, 500 यूनिवर्सिटी में भी एक भी नहीं है हमारी, और 100 यूनिवर्सिटी जो है एशिया की उसमें भी नहीं है, आप बताइए फिर ये क्या तालीम। लेकिन अमल नहीं है, आप ज़रा पंजाब में स्कूलों की हालत देखिए, रूरल एरिया में बुरा हाल है, वही तो है ना यही। तो अब बातें कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी 500 में भी नहीं है और 100 में भी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, हम चाहते हैं ये बने। डॉक्टर साहब ये जो हॉस्पिटल आपने बनाए हुए हैं इनमें कौन सबसे बढ़ चढ़ के कौन आपकी मदद करता है? सब ज़्यादातर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट वो तो सब करते हैं, और ज़राए ब्लाग रोज़ TV बहुत मदद करता है हमारी, हमारे इश्तहार दिखाते हैं चंदे के लिए, और बहुत लोग मदद करते हैं, यानी गरीब औरतें आई हैं यकीन। रोज़ TV तो इसलिए भी मदद करता है ना कि वो आपने उनके गांव में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया है, बड़ा बड़ा बहुत आला इंस्टीट्यूट है, आला इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसको बढ़ाना, उसके बच्चे हमेशा टॉप करते हैं और उनका कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होता, 1500 बच्चा अभी भी पढ़ता है। अच्छा, मैंने कराची में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बनाया है, हज़ारों लोग मुफ्त इलाज कर रहे हैं, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाई है,
उसके अंदर दर्जनों लोग पीएचडी करते हैं हर साल। अच्छा, इसी तरह मैंने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज बनाई, बिल्डिंग है वगैरह तमाम सहूलतें। अच्छा, इसी तरह कायद यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑडिटोरियम बना के दिया, डेरा इस्माइल खान गोमल यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम बना के दिया। इस तरह बहुत सारी लातादाद मसाजिद बना के दी हर जगह। तो जो फलाही काम होते हैं उसमें कभी नहीं हिस्सा था। और ये जो है ना डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मियाँ वाली जा रहे थे, आपको शायद पता है, करक मूसा खैल पहाड़ी से गुजरे थे, तो आपने फरमाया था उस टाइम कि जहाँ भी नई सब अस्पताल होने वो अपना मस्जिद होनी चाहिए। ये पता नहीं आपको याद है या नहीं। बिल्कुल याद है। लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो बनाई, लेकिन वो बड़ी छोटी, उसको वो अभी मियाँ वाली आप और हम जाएंगे ना इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। हाँ, तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो हॉस्पिटल आप बनाते हैं, ये हम तो इश्तहार देते, अपना रोल अदा करते हैं, जो हॉस्पिटल के लिए हमने आपकी मदद की उनमें हम, वो तो एक ज़ीरा है जो आप इतने बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन आपको कौन सा कोई बड़ा अदारा जिसका आप नाम लें, जिसको हम भी अपनी अच्छी निगाह से देखे, हमारा अदारा भी उनके बारे में लिखे भी सही। बड़ा इदारा तो कोई नहीं, जो गरीब लोग हैं ना बेचारे, हाँ, जो बेवा औरतें आती हैं वो 20-20 लाख रुपए दे जाती हैं। अच्छा, पूरी अपनी ज़िंदगी की बचत। पिछले दिनों एक साहब आए, बिल्कुल इतने मिस्कीन लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझसे बताया, तो उन्होंने कहा कि एक साहब हैं अपने आप को भोपाल का कहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भोपाल का नाम सुन के हमारा दिल धड़क गया। हम कह जी फ़ौरन लेकर आएँ, उनको चाय में पिलाएंगे। बहुत ही मिस्कीन से नज़र आए, नसीम खान साहब नाम था उनका, बैठे बातें करते रहे सब बहुत। और भोपाल के उन्होंने जिक्र किए तमाम लोगों के, मैं भी उनसे सब वाकिफ, वो भी वाकिफ, पुरानी यादें जो थी हम ताज़ा करते रहे। तो बाद में कहा कि मैं आपके अस्पताल की थोड़ा सा चंदा देने आया हूँ। तो मैंने कहा नसीम भाई दे दीजिए जो भी। तो उन्होंने मुझे उठा के एक ड्राफ्ट दिया, खान साहब 42 लाख का था वो। अच्छा, माशाल्लाह, यानी अब से अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। उनका मैं और भी करता रहूँगा। हम 4-5 बहन भाई हैं, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हम बेच के हम चाहते हैं कि बहुत नेक काम इसमें दे दें। कई लोगों ने हमने घर दे दिए हमें, हमने उसके अंदर OPD बनाया हुआ है, उसमें तमाम सहूलतें दी हुई हैं। हम हज़ारों लोगों को मुफ्त इलाज करते हैं, हज़ारों लोगों को रोज़। और जब यंग डॉक्टर जो हैं, ये जब वहाँ स्ट्राइक करते हैं ना लाहौर में, आजकल ये आम रिवाज हो गया है यंग डॉक्टर्स का कि ज़रा सी बात हो स्ट्राइक कर दो और OPD बंद कर दो, तो हम 24 घंटे वो OPD खुला रखते हैं। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम पार्ट 2 था। पार्ट 1 में कल सरदार खान नियाज़ी ख़ुद बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से हमें बताई। आज पार्ट 2 था, जैसे हमने डॉक्टर AQ खान के हवाले से या उनकी ज़िंदगी के जितने भी अहम पहलू थे जिनके बारे में आप नहीं जानते, ये 2 प्रोग्राम स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किए थे कि उनकी जो खिदमात हैं शायद हम कुछ नहीं कर सकते उस खिदमात के एवज़, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते थे कि हम उनको याद रखते, हम अपनी याद में एक एक पल उनके बारे में सोचें कि उन्होंने हमारी जो कौम है उसको किस तरह से अपने पाँव पर खड़ा किया। तो ये सब चीज़ें हम रोज़ न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि रोज़ न्यूज़ का एक खराज तहसीन था अब्दुल कदीर ख़ान को, तो ये गलत नहीं होगा। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है या कह लें कि खराज तहसीन था हमारी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।